Hello, kids, I'm back again with my new video of class 5 EVS chapter 1, and this chapter is super senses. So you all know that we have total 5 senses. Have this ever happened to you? You are eating in a playground and an eagle flew down and took away your roti. Kabhi aapke sath aisa hua hai ki aap playground mein kha rahe ho aur ek eagle aaya aur aapke haath se aapki roti chheen ke le gaya ho? Kabhi aisa hua hai kya? You dropped something sweet on the ground and within few minutes many ant collects around it. Kabhi aisa hua hai kya ki aapke haath se kuch meetha zameen pe gir gaya ho aur thode der ke baad bahut sari cheetiyan aake use utha ke le ja rahi ho? As you walk softly past a sleeping dog, its ear shot up at once. Jaise hi aap ek sote hue kutte ke paas se guzroge to uski jo kaan hai wo turant sense kar leti hai. So this is sense of hearing. ठीक है, वाई डज दिस हैपन, थिंक एंड टेल, ऐसा क्यों होता है? लेट्स स्टार्ट. एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. एनिमल्स के पास भी बहुत सारे अलग अलग सेंसेस होते हैं. दे कैन हियर, सी, टेस्ट, स्मेल एंड फील. तो हमारे सेंसेस क्या होते हैं? सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील. ओके, सम एनिमल्स कैन सी दे प्रे फ्रॉम फार अवे. प्रे मतलब क्या होता है? जो उनको खाने के लिए पकड़ना होता है ना, दो आर प्रे. ठीक है, तो कुछ एनिमल्स अपने प्रे को बहुत दूर से देख लेते हैं. सम कैन हियर इवन देयर फेनेस्ट साउंड. कोई कोई एनिमल्स दूर से उनकी साउंड भी पहचान लेते हैं. सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय स्मेल. कुछ एनिमल्स अपने दोस्तों को उनके स्मेल से पहचान लेते हैं. द एनिमल्स वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस. ये पूरी वर्ल्ड बहुत सारे अमेजिंग सेंसेस के साथ भरी हुई है. How did the ant recognize a friend? एक ant अपने friend को कैसे पहचानता है? An ant was going along on the ground. It saw a group of ant coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. Tell, how did the ant know that the other ants were not from their groups? क्यों? क्योंकि ant देख के पहचान सकता है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, मेनी ईयर्स अगो साइंटिस्ट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस. बहुत साल पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने कैसा कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया. ही फाउंड आउट दैट एन एंट मूव्स दे लीव अ स्मेल ऑफ ग्राउंड. जैसे एंट मूव करते हैं वो अपनी स्मेल ग्राउंड में छोड़ते जाते हैं ताकि जो दूसरे एंट है उस स्मेल को फॉलो करके आ पाए. नाउ Can you guess why the ants behave like that? They were blocked their path. When you block their path, अब आप guess कर सकते हो ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी ants ऐसे behave करते हैं जैसे कि आपने उनका path block कर दिया गया है. Some male insects can recognize the females by the smell. कुछ male insects होते हैं वो अपनी female मतलब females को उनके smell से recognize करते हैं, पहचानते हैं. Have you ever been troubled by mosquito? कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको mosquito बहुत trouble करता है. Just think, how do they know where you are? कैसे उनको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे हो? Mosquitoes can find you by the smell of your body. Mosquito हमारे body के smell के through हमें ढूंढ लेता है. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heart of your beat. वो हमारे heart beat के through और हमारे जो पैरों के smell लेता है उसके through भी हमें ढूंढ सकते हैं. Have you seen dogs sniffing here and there? कभी कभी आपने देखा है डॉग को यहाँ वहाँ स्निफ करते हैं, मतलब सूंघते हुए? वैसा क्यों करते हैं? Dogs mark out their own area on the road. क्यों? क्योंकि वो अपना एरिया मार्क करते हैं रोड में. They can make out if any another have came into their area. वो ऐसे स्निफ करके पहचान सकते हैं कि कोई दूसरा कुत्ता उसके एरिया में तो नहीं आ गया है. By their area smell its urine and potty. उसके पॉटी और यूरिन के थ्रू वो पहचान लेते हैं. ओके, नाउ फ्रॉम द स्मेल ऑफ द क्लोथ्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स कैन यू से होम डू यू बिलोंग टू. क्या आप अपने फैमिली मेम्बर्स के क्लोथ्स को स्मेल करके पहचान सकते हो क्या कभी क्या आप किसको बिलोंग करते हो? ट्राई टू रिकोगनाइज एनी ऑफ द टू मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली. ऐसे करके आप कोई दो मेम्बर अपने फैमिली के पहचान के दिखाओ. टुडे रागिनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क. आज रागिनी को बाहर जाना है कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के लिए. शी हैड टू लीव हर 6 मंथ ओल्ड सन दीपक विद सिस्टर.
उसको अपने 6 month old son को अपने मतलब sister दीपक के साथ रहना छोड़ के जाना पड़ा, जिसका नाम था सुशीला. ठीक है, सुशीला उसके मतलब बेटे का दीपक का ख्याल रख रही थी. सुशीला also had a baby of same age. सुशीला के पास भी एक बेबी है सेम एज का. इट वॉज फनी दैट बोथ ऑफ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम. ये बहुत फनी है कि दोनों बेबी ने सेम टाइम पे पॉटी कर दी. शी हैपिली क्लीन्ड हर डॉटर बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हिज सिस्टर सन दीपक शी कवर्ड हर नोज विद द पट्टा. जब वो अपने बेटी की पॉटी साफ कर रही थी तो वो बहुत हैप्पीली उसको डॉटर की पॉटी को उसने साफ कर दिया, बट जब वो अपनी दीपक मतलब अपने बहन की सन को पॉटी साफ कर रही थी, दीपक की पॉटी साफ कर रही थी, तो उसने अपना नाक अपने दुपट्टा से कवर कर लिया. ठीक है, ओके. नाउ मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर आईज ऑन आई द साइड ऑफ द हेड. बहुत सारे बर्ड्स के जो आईज होते हैं वो हेड के साइड पे होते हैं. ये आईज उनको फोकस करने देता है टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम. वो एक टाइम पे दो अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर सकती है. व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आईज फोकस ऑन सेम ऑब्जेक्ट. जब वो सामने देखती है तो उनके जो आईज है वो सेम ऑब्जेक्ट्स की तरफ देखते हैं. Why must have seen birds moving their neck very often? Do you know why? It moon of the bird, most of the bird eyes are fixed and cannot move. बहुत कम birds अपने गर्दन को move करते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत सारे birds के जो eyes होते हैं वो fix होते हैं और वो move नहीं कर सकते हैं. So birds have to turn their heads. इसीलिए जो birds हैं अपने heads को frequently move करते रहते हैं. Looking with one of or other eyes, close your right eye or cover with your hand. Tell your friend to stand in front in your right at some distance and ask him to do some actions. जैसे कि hands wave करना, shake hand करना. So, could you see your friend action? क्या आपने बिना अपने गर्दन को move किए हुए क्या उसके action देख पाओगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो. Some birds like kites, eagles, vulture can see 4 times as far as we can. कुछ मतलब बर्ड्स होते हैं जैसे कि काइट्स हो गए, ईगल्स हो गए, वल्चर हो गए, कि इनकी आईज इतनी स्ट्रांग होती है ना कि हमारे से ज़्यादा 4 times दूर वो देख सकते हैं. दीज बर्ड कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 meters. ये बर्ड 8 meters के डिस्टेंस से भी देख सकती है वॉट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters. जो हम 2 meters के डिस्टेंस से देख सकते हैं वो 8 meters के डिस्टेंस से उसको देख सकती है. Do animals see colors? क्या animals color भी पहचानते हैं? Animals cannot see any as many color as we can. Animals उतने color नहीं देख सकते हैं जितने हम देख सकते हैं. So how things in the picture will see by some animals. Okay. It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. ऐसा माना जाता है कि जो animals दिन के समय जागते हैं वो कुछ कुछ colors देख सकते हैं. Those animals that are awake at night can see only black and white. और जो एनिमल्स सिर्फ रात को जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर ही देख सकते हैं. शार्प ईयर्स. इन क्लास 4 यू रीड दैट यू cannot easily see बर्ड्स ear. द ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स. आप क्लास 4 में आपने पढ़ा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं उनके ईयर्स आप इजिली देख नहीं सकते हो, क्योंकि उनके जो ईयर्स रहते हैं वो स्मॉल होल की तरह रहते हैं जो उनके फेदर्स से कवर्ड रहते हैं. ओके, फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल. इस एक्टिविटी को करने के लिए आप किसी शांत जगह में अपने स्कूल में जाओ. टेल यू अदर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉर्ट ऑफ डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली. और अपने फ्रेंड को बोलो कि कुछ दूर हो खड़े होकर कुछ धीरे से बोले. रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली. और बाकी धीरे से सुनने की कोशिश करो. देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स. और सब अपने मतलब हाथ को अपने ईयर्स के बिहाइंड में रख लो एज शोन इन द पिक्चर. जैसे पिक्चर में दिखाया गया है. Let the same child say something again as softly as before. अब same child को बोलो कि उस मतलब से जो चीज़ उसने पहले बोली वो फिर से बोले. In a case, was the sound sharper? क्या आपको सब लग रहा है कि जो sound है वो sharper हो सकता है? So just try and test, okay? Sit near a desk, tap the desk once with your hand. आप desk के पास बैठो और उस desk को एक बार अपने हाथ से tap करो. Listen carefully. Now put your ear on the desk. जैसे पिक्चर में दिखाया अपने कान को डेस्क के पास मतलब लगा के रखो. वॉज देर एनी डिफरेंस इन टैप. अब आपको जो टैप का डिफरेंस अपने हाथ से जो आप डेस्क को टैप कर रहे थे उसमें आपको डिफरेंस सुनाई देगा. साउंड सेंस मैसेजेस. साउंड से बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे जाते हैं. हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वॉन्ट्स अदर डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड. एक लंगूर जो बहुत ऊंचे ट्री में रहता है वो अवेयर करता है द एनिमल्स को दूसरे टाइगर्स और लेपर्ड से. लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल. और लंगूर ऐसा कैसे करता है? एक स्पेशल वार्निंग कॉल टाइप साउंड निकाल
निकाल के. बर्ड ऑल्सो गिव अलार्म क्लॉक कॉल्स टू वॉर्न अबाउट डेंजर. बर्ड्स भी बहुत जैसे अलार्म क्लॉक जैसे आवाज़ करते हैं ना, वैसे अलग अलग अलार्म क्लॉक्स कॉल्स करते हैं ताकि वो दूसरे एनिमल्स को डेंजर से अवेयर कर सके पहले. सम बर्ड इवन हैव डिफरेंट साउंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर. अलग अलग टाइप के डेंजर के लिए अलग अलग एनिमल्स अलग अलग टाइप के साउंड्स निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल ऑफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई. एक अलग साउंड वो क्रिएट करते हैं अगर कोई एनिमी स्काई से आ रहा हो तो, ठीक है. और एक अलग साउंड वो लोग क्रिएट करते हैं जब एक कोई एनिमी ग्राउंड से आ रहा हो. व्हेन एनी एनिमल्स गिव द वार्निंग कॉल ऑल द एनिमल्स इन द एरिया अंडरस्टैंड द डेंजर सिग्नल्स. जब कोई भी वार्निंग सिग्नल ऐसे वार्निंग कॉल देता है तो दूसरे एनिमल्स उस डेंजर सिग्नल को समझ जाते हैं. सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन अ अर्थक्वेक और अ स्टॉर्म इज अबाउट टू कम. पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ डेंजर. जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं वो इस टाइप के डेंजर्स को मतलब एनिमल्स के एक्टिविटी को देख के समझ सकते हैं. डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेजेस टू अदर. डॉल्फिन भी डिफरेंट टाइप के साउंड क्रिएट करता है ताकि वो दूसरे तक अपनी साउंड को पहुँचा सके. साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन. साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि बहुत सारे एनिमल का एक स्पेशल लैंग्वेज होता है खुद का. से इट विथ साउंड. जस्ट लाइक बर्ड एंड डॉल्फिन यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड ऑफ गिविंग मैसेज. जैसे ही बर्ड्स और डॉल्फिन अपने अलग अलग मतलब लैंग्वेज के साउंड्स बना सकते हैं, वैसे आप भी बना सकते हो कोई मैसेज पास करने के लिए. रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विथ ओनली वन साउंड एंड नो वर्ड्स. आपको याद रखना है कि आप किस साउंड से अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो बिना किसी वर्ड के, ठीक है. ओके स्लॉथ. इट लुक्स लाइक बियर बट इट इज़ नॉट स्लॉथ. बियर की तरह दिखता है बट होता नहीं है, वो एक स्लॉथ होता है. इट्स मैन ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन द ब्रांच. वो 17 आवर्स पूरे दिन का स्पेंड करता है अपसाइड डाउन उल्टा पेड़ पे लटके हुए. द स्लॉथ ईट्स लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स. जिस पेड़ में वो रहता है वो उसी पेड़ का लीव्स को खाता है. इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स. उसको बाकी कुछ भी नहीं चाहिए होता है. व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव ऑफ दैट ट्री इट मूव्स टू नियर बाई ट्री. और जब वो एक ट्री के बहुत सारे पत्ते खा लेता है तो वो दूसरी ट्री में शिफ्ट हो जाता है. स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स एंड इट इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज. स्लॉथ कम से कम 40 साल रहता है और इस पूरे 40 साल के ड्यूरेशन में वो सिर्फ हार्डली 8 ट्रीज क्रॉस करता है. वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ. वो हफ्ते में एक बार ट्री से नीचे आता है अपने आप को रिलीव फील कराने के लिए. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू.